नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम पेपर देख रहे थे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 का। 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन का पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि 2 पार्टों में हैं। आप वो देख लीजिएगा जाकर, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बाद। ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ये सुमेलित करना है पहाड़ियों को उनके राज्यों से। गारो पहाड़ियाँ हैं आपकी मेघालय में, मेरी पहाड़ियाँ हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लेई पहाड़ियाँ हैं आपकी तमिलनाडु में, और डालमा पहाड़ियाँ हैं आपकी झारखंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये देख लीजिएगा आप, तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा सब चीज़ दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर व नगरीकरण में भारत में द्वितीय स्थान पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम। ये आप देख लीजिएगा, प्रथम स्थान पर आपके नगरीकरण में हो जाएगा केरल, और द्वितीय स्थान पर आ जाएगा आपका गोवा, जबकि गोवा ऑप्शन में नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा मिजोरम ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में देना है। ये भी वही क्वेश्चन है उसी तरह का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सब पहले आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र 3, उसके बाद पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और फिर गुजरात। ये दिया हुआ है इनका प्रतिशत, कितना नगरीकरण प्रतिशत है और नगरीय जनसंख्या कितनी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहला हो जाएगा, सर्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, द्वितीय उत्पादक के संदर्भ परपोषी स्तर पर उत्पादन से है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक व दो, दोनों। ये इसके डिस्क्राइब किया हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में। तो आपको याद रखना है, उत्पादक तो हो गए पौधे, उसके बाद प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे शाकाहारी, उसके बाद ये। और एक चीज़ और याद रखिए, ऊर्जा का प्रवाह अगर पूछा जाता है तो ये 10% प्रत्येक एक स्तर से दूसरे स्तर जाने पर कम होता चला जाता है। ये क्वेश्चन 2018 PCS में पूछा गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, घटती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये उसी तरह का नियम है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों में अधिकतम पादक विविधता पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 42.61। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत न्यूनतम थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल। इससे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला सबसे अधिक कौन सा राज्य है, तो उसमें भी आपका हिमाचल ही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। शहरी जनसंख्या जनसंख्या है यहाँ पे नगरीकरण प्रतिशतता में न्यूनतम, और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता में है अधिकतम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद। ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय व गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मथुरा में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इस साल का बजट देख लीजिएगा, उसका आकार लगभग 5-12 करके कुछ है, तो इसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इसका कथन है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। सही है, कारण क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में सहज होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो भाषा है, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश अन्य भाषाएं में भी ऐसा नहीं होते।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी लखनऊ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जाएगा 86, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके अनुसार वैसे अधिकतर जहाँ मैंने और कहीं भी पढ़ा हुआ है तो अन्य बुकों में इसका जलमंडल भी हो सकता है, जलमंडल एक बार इसे सर्च कर लीजिएगा, और नहीं इसमें आंसर डी बताया हुआ है, क्योंकि समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए ये नीचे दिया हुआ है सारा इसके बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश साक्षरता दर इतनी है जबकि 2001 में इतनी थी 56.27%। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, बाकी सभी सही है। वाराणसी संस्कृति व धर्म से संबंधित है, उसके बाद लखनऊ प्रदेश की राजधानी, उसके बाद मुरादाबाद पीतल नगरी पीतल उद्योग से संबंधित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदावरण अवधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 8 वर्ष। इसे एक बार देख लीजिएगा, अभी इसका संशोधन हुआ है, एक बार फिर से संशोधन किया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90, कथन है कन्नौज इत्र का शहर है, कारण है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है? इसका हो जाएगा आंसर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो के लेंस विभाग में निम्नलिखित उद्देश्य पर विचार कीजिए? इसका पहला हो जाएगा औद्योगिक अवशिष्ट प्रबंधन, दूसरा हो जाएगा औद्योगिक अनुमोदन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो सिंगल विंडो के लेंस विभाग है उसमें केवल औद्योगिक अनुमोदन है, पहले वाला नहीं है, औद्योगिक अवशिष्ट प्रबंधन। ये क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर है वाराणसी डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बलिया। इसके अलावा ऐसे याद रखिएगा, पूर्वी तो बलिया है और नीचे आपका हो जाएगा दक्षिण में सोनभद्र और आपका उत्तर का है सहारनपुर और आपका पश्चिम का है शामली। शामली से पहले मुजफ्फरनगर था, अब शामली नया जिला बनने के बाद शामली है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम या अधिकतम संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 60 और 500, अधिकतम 500 न्यूनतम 60। कुछ इसके अपवाद भी हैं अन्य राज्यों में, वो भी इसने दिए हुए हैं, देखो ये पढ़ लीजिएगा, गोवा सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। जो अपवाद होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद होने चाहिए किन किन राज्यों में न्यूनतम 60 से भी कम संख्या है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली व पुदुचेरी, या आप इसका दिल्ली का संविधान संशोधन भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, 70वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी व डी, ये देख लीजिएगा, वैसे इसका आयोग ने जब आंसर दिया हुआ था तो सी माना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल व लोकायुक्त बनाने की स्तुति की थी उसके अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई। और इसका ये भी याद रखिएगा, द्वितीय प्रशासनिक आयोग बना था उसके वीरप्पा मोली अध्यक्ष थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 17। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका पहला हो जाएगा, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद
243 डी 3 में किया गया, दूसरा हो जाएगा यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विदिष्ट अवधि की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल एक 243 डी में दिया हुआ है। उसके बाद आप ये भी याद रखिएगा, अभी 2016 में जब उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए कहाँ कौन सा आर्टिकल में स्थान आरक्षित है। उसमें ऑप्शन थे 243 ए, 243 बी, 243 सी और 243 डी। 243 डी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 243 डी। ये नेक्स्ट एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, निम्नलिखित में विचार करना है, कथन है, जीडीपी में प्रतिशत के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 2017 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था, और कारण पढ़ लीजिए इसका। 2017-18 में अप्रत्यक्ष वसूली जीएसटी लागू होने के कारण सापेक्ष कम थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ARR दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ये सही हो जाएगा। इसे आप करंट का भी याद रखिएगा कि अभी कितना है, जैसे 2019-20 में राजकोषीय घाटा रखने की सीमा 3.8% रखी गई थी, लेकिन अचीवमेंट हुआ 3.3% का, और इस बार 2020-21 में घोषित किया गया है 3.5% जो हमें प्राप्त करना है। ये तीनों ही डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ये पूछा जाता है। ये 2018-19-20 का है, 3.8 उन्होंने लक्ष्य रखा था, 3.3 प्राप्त हुआ, और इस बार 3.5 लक्ष्य है 2020-21 के लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। उसके बाद 101, भारत में बाह्य क्रेडिट से 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वाणिज्य शाख। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से, ये देखिए मैंने आपको जो बताया था वो इसी, ये क्वेश्चन उसी तरह से पूछा हुआ है, बस इसमें डाटा आपका 2017-18 का और बढ़ गया है। ये देख लीजिए, ये 2017-18 का पूछा है, 2018-19, 2020-21, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। 1 और 2 इसलिए कि पहला भी सही है 2017-18 में 3.0%, और दूसरा था आपका 2018-19 में 3.3। ये देखिए मैंने आपको बताया था 2020-21 में आपका 3.1 नहीं 3.5% रखा गया है। उसके बाद देख लीजिए आगे, एक क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित सॉरी दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक की सर्वाधिक थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 104, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गाजियाबाद। ये नीचे देख लीजिए, आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, 2011 के अभी यूपी सेंसस के अनुसार बता रहा हूँ आपको, साक्षरता और आपका वृद्धि दर, इन दोनों में तो प्रथम स्थान पर है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा राज्य, वो डिस्ट्रिक्ट होगा गौतम बुद्ध नगर, और नगरीय एक जनघनत्व ये हो जाएगा, सॉरी जनघनत्व, और दूसरा आ जाएगा आपका नगरीय जनसंख्या, इन दोनों में प्रथम स्थान पर है गाजियाबाद, ठीक है ये याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सहारनपुर। सहारनपुर के बारे में आप दो चीज तीन चीज याद रखिएगा जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो यहाँ पे शाकुम्भरी देवी मंदिर है, शाकुम्भरी देवी का मंदिर है, दूसरा यहाँ पे कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और तीसरा आपका काष्ठ नक्काशी के लिए, तीन चीज सहारनपुर के बारे में प्रसिद्ध है, इसलिए आप देख लीजिएगा। ओके थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में देखते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पेपर, उसके बाद देखते हैं यूपीपीसीएस 2019 का पेपर जो लेटेस्ट हुआ है अभी। ओके थैंक यू।